हाय, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्थ। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था कि फ्लिपकार्ट पे मोबाइल बोनांजा सेल स्टार्ट हो चुकी है। सारे मोबाइल डील ऑफर के बारे में मैं वहां पे बात कर चुका हूं। आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 3 बेस्ट मोबाइल डील के बारे में जो आप लोग इसी सेल में खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करूंगा अंडर 10,000 में, अंडर 15,000 में और अंडर 20,000 में। तो चलिए, मैं बल्कि 3 मोबाइल के बारे में नहीं बात करूंगा, 4 मोबाइल ऑफर के बारे में आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए, आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, इस सेल में आप लोग के पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो 500 का ऑफ मिल जाएगा। हाँ, लेकिन मिनिमम आप लोग को परचेस करना पड़ेगा 5,000 का फोन, तो ही आप लोग को 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। और HDFC का डेबिट और क्रेडिट कार्ड EMI भी अवेलेबल है अभी फ्लिपकार्ट पे, मतलब कि इसी मोबाइल बोनांजा सेल में। और देखिए, मैक्सिमम आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा EMI पे 1,000 का। हाँ, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अप टू 1,000। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोग को बता देता हूँ 3 बेस्ट ऑफर कौन से मोबाइल में आप लोग को मिल रहा है, मतलब 3 नहीं 4 मैं फोन के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ। सबसे पहले आता है Realme का नार्जो 30A। इसका प्राइस हो चुका है अभी फ्लिपकार्ट पे 8,249 रुपये। आप लोग को इस फोन को क्यों खरीदना चाहिए? सबसे पहला रीज़न, इसमें मिलता है MediaTek का G85 प्रोसेसर 8,000 के प्राइस रेंज में। कोई भी फोन अभी अवेलेबल नहीं है जिसमें मिलता है MediaTek का G85 गेमिंग प्रोसेसर, मतलब कि एक बात तो क्लियर है, इस प्राइस रेंज में आप लोग को इस फोन में गेमिंग परफॉर्मेंस में, इस तरह परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो काफ़ी बेटर मिलने वाला है। दूसरे फोन में इस प्राइस रेंज में MediaTek का G35 प्रोसेसर मिलता है और इस फोन में 6,000 mAh का बैटरी मिलता है, प्लस 18W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, 6.51 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है, 3GB का रैम मिलता है, 32GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, 8MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, रियर कैमरा मिलता है 13+2MP का। तो इसलिए आप लोग के लिए ये बेस्ट फोन होने वाली है। तो चलिए, अब मैं अगले फोन के बारे में आप लोग को बता देता हूँ, Realme 8। 14,000 रुपये में अभी ये अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे, 1,000 का इसमें डिस्काउंट अवेलेबल है। इस फोन में मिलता है 6.4 इंच का सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले मिल जाता है, प्लस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, MediaTek का G95 गेमिंग प्रोसेसर मिलता है, 5,000 mAh का बिग बैटरी मिलता है, 30W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। वहीं मैं कैमरा के बारे में बात करूँ तो 16MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है पंच होल के साथ। अब मैं रियर कैमरा के बारे में बात कर लेता हूँ, 64MP के साथ क्वाड कैमरा का सेटअप मिल जाता है, मेन कैमरा 64MP का, दूसरा 8MP का, एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, तीसरा और जो चौथा कैमरा मिलता है वही 2-2MP का। तो दोस्तों, मेरे विचार से ये बेस्ट डील आप लोग के लिए होने वाली है। अगर आप लोग को अंडर 15,000 में कोई भी एक फ़ोन ख़रीदना है तो इस फोन के साथ आप लोग जा सकते हैं, बेस्ट फ़ोन है मेरे विचार से। तो चलिए दोस्तों, अगला फ़ोन के बारे में मैं बात कर लेता हूँ, पोको X3 प्रो। 17,000 रुपये में ये आप लोग को मिलेगा इसी सेल में, लेकिन 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 आप लोग HDFC का कार्ड लगाएंगे तो ही आप लोग को 2,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस फ़ोन को आप लोग को क्यों ख़रीदना चाहिए? पहला रीज़न, इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन 860 वाला प्रोसेसर, मतलब ये बेस्ट गेमिंग फ़ोन है अंडर 20,000 में। आप लोग को एक गेमिंग फ़ोन चाहिए तो आप लोग को आंख बंद करके पोको X3 प्रो को ख़रीदना चाहिए, मतलब कि इसमें फ्लैक्सिब लेवल का प्रोसेसर मिल जाता है, 5160 mAh का बैटरी मिल जाता है, 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, 48MP के साथ क्वाड कैमरा का सेटअप मिल जाता है, 20MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, 6.7 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले मिल जाता है, तो और क्या चाहिए। और ये जो डिस्प्ले आता है 120Hz के साथ आता है, 6GB का रैम मिलता है और इस फोन में 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। तो आप लोग को एक बेस्ट गेमिंग फोन चाहिए अंडर 20,000 में तो आप लोग खरीद सकते हैं, वरना आप लोग को कैमरा वगैरह के लिए लेना है तो मैं आप लोग को बोलूंगा इस फोन को नहीं खरीदने। आप लोग को गेमिंग करना है, मतलब कि खेलना है, तो ही आप लोग को इस फोन के साथ जाना चाहिए। अगला जो फोन आता है, मतलब कि चौथा फोन आता है Realme 7 Pro। इसका प्राइस हो चुका है फ्लिपकार्ट पे अभी 16,000 रुपये।
कई लोग बोलेंगे ये फ़ोन तो एक साल पुराना हो चुका है, लेकिन लेकिन दोस्तों ये 16,000 रुपये में मेरे विचार से बेस्ट डील आप लोग के लिए हो सकती है। लेकिन 16,000 रुपये में आप लोग खरीद सकते हैं रेडमी का नोट 10 प्रो, या फिर 2,000 और मतलब जोड़ के आप लोग रियल मी का 8 प्रो भी खरीद सकते हैं। तो आप लोग को ध्यान में रखना है, लेकिन 16,000 रुपये में भी आप लोग के लिए ये वैल्यू फॉर मनी होने वाली है। क्यों होने वाली है? इसमें मिलता है 6.4 इंच का सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 4500 mAh का बैटरी मिल जाता है, यही नहीं 65 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है इस फ़ोन में, जो कि 35 से 40 मिनट के अंदर ये फ़ोन फुल चार्ज हो जाएगा। 32 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, 64 MP के साथ क्वाड कैमरा का सेटअप मिल जाता है, और स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर मिल जाता है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आप लोग को बता दिया बेस्ट फ़ोन डील के बारे में, तो आप लोग इस फ़ोन को खरीद सकते हैं। बेस्ट ऑफर अभी अवेलेबल है इसी सेल में, मोबाइल बोनंजा सेल में, जो कि फ्लिपकार्ट 24 तारीख तक चलने वाली है। तो दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दे, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हाँ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आज का वीडियो में बस इतना ही था, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।